अब तो मेरे पिया की दया ना समावे इंड। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चेत दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री मामती कहे ऐ मोमिनो, ए आठों प्रहर की बीतक, अब स्वरूप साथ गो देत हैं, सो कहूँ शोभाक, सो कहूँ शोभाक, दिन आठों प्रहर की। अक्षराती धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से अष्टपहर की लीला का वर्णन करने के पश्चात ये वर्णन करने जा रहे हैं किस तरह से अष्टपहर की लीला को विधिवत क्रियान्वित करने के लिए लालदास जी ने 36 विभाग बना दिए, जिसको 36 कारखाने कहा गया है। कारखाना उसको यहाँ नहीं कहा गया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता है, कारखाना यानी जिसमें कार्य किया जाए। छत्रसाल जी महाराजा हैं, उनकी सेवा अलग है, लेकिन एक जो प्रबंधन कार्य है वही कर सकता है जिसे इसका अनुभव हो। पहले सेवा जो है गरीबदास जी की दी गई थी, आपने हरिद्वार के प्रसंग में भी सुना है कि गरीबदास जी ये सारी व्यवस्था किया करते थे, इसलिए श्री जी ने उनका नाम रखा था खानसामा। खानसामा उसको होटल में प्राय जो भोजन बनाता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ खानसामा का अर्थ है सारे प्रबंध कार्य का उत्तरदायित्व जो वहन करता हो उसको खानसामा कहते हैं। प्रबंधन कार्य में कुछ व्यक्तिगत गुणों की आवश्यकता पड़ती है, लालदास जी में वो गुण सारे हैं। पहला गुण है संवेदनशीलता। आपको प्रबंधन कार्य दिया गया, आप किसी के साथ हिलना मिलना नहीं जानते, आपका स्वभाव यदि रूखा है, कोई बीमार है आप में संवेदना नहीं है, हाँ चलो हमारा क्या हुआ, तो आप यथार्थ में प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। संवेदनाहीन जीवन निरर्थक होता है, ऐसा व्यक्ति न योगी हो सकता है, न विद्वान हो सकता है, न समाज की सेवा कर सकता है। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का यदि भाव है तो समझ लीजिए आप में प्रबंधन का गुण अपने आप विकसित हो जाएगा। जैसे शेरपुर वाले महाराज जी एक बार जाड़े का समय था, बाहर टहल रहे थे, देखा कि कोई सुंदर सा ठिठुर रहा है, अपना उन्होंने साल उड़ा उतार करके उस सुंदर साथ को उड़ा दिया। यानी महाराज जी के अंदर ये करुण भावना है कि ये सुंदर साथ ठंड में ठिठुर रहा है तो मैं साल क्यों उड़ूँ। पहला गुण है जो मैंने बताया संवेदनशीलता, दूसरा है दूरदर्शिता। आप किसी भी संस्था का, आश्रम का, समाज का प्रबंधन कार्य करें, आप में दूरदर्शिता का यदि गुण नहीं है कि आपकी आय क्या है तो व्यय कितना रखना है, भविष्य में यदि आय के संसाधन नहीं जुटाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, यदि दूर तक आपकी दृष्टि नहीं जाएगी तो आप प्रबंधन कार्य में पिछड़ जाएंगे। आग लगने पर कभी भी कुआं नहीं खोदा जा सकता, जहाँ आग लगती है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पहले पानी की व्यवस्था पहले करनी होगी। इसको मैं संस्कृत के घटनाक्रम से एक दृष्टांत देता हूँ संक्षेप में। राजा के दरबार में एक
बंदर रहा करता था. बंदरों के सरदार ने देखा कि ये जो रसोइये हैं आपस में लड़ा करते हैं. सोचा कि जब रसोइये आपस में लड़ा करते हैं, भोजन बनाने वाले एक दूसरे को कभी जलती हुई लकड़ी से मार देंगे तो ये आग फैलती हुई घुड़साल में पहुंच जाएगी. जब राजा के घोड़े मरेंगे तो वैद्य से पूछा जाएगा तो कहेगा वैद्य कि ये बंदरों की चर्बी से घोड़ों का इलाज होगा. परिणाम क्या होगा कि बंदरों को मार मार कर उनकी चर्बी से घोड़ों का इलाज किया जाएगा. उसने अपने परिवार वालों से कहा कि देखो तुम्हें यहाँ से चल देना चाहिए, नहीं चलोगे तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए खतरा होगा. सारे बंदरों ने कहा कि तुम हवाई किले बनाते रहते हो, अभी कुछ हुआ ही नहीं, कैसे सोच रहे हो कि हमें मार मार कर घोड़ों का इलाज किया जाएगा. बंदर जो प्रमुख था उसने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं चलते हो तो मैं चलूँगा, और अकेला चला गया. जाते जाते एक तालाब के किनारे पहुँचता है. वहाँ देखता है कि तालाब में घुसने वालों के तो चिन्ह हैं, बाहर निकलने वालों के चिन्ह नहीं है. सोचा कि जो गया है जिंदा वापस नहीं लौटा है, प्यास है कैसे बुझाएं. तो उसने कमल की डंडी को तोड़ लिया और उसके एक हिस्से को पानी में डालकर उससे, जैसे बोलचाल की भाषा में जिसे सुरखना कहते हैं, उससे पानी खींच करके पीने लगा. उस तालाब में एक राक्षस रहता है, कहता है कि आज तक मैंने इतना बुद्धिमान प्राणी नहीं देखा. इस तालाब में जो आता है मेरा आहार बन जाता है. बंदर बताओ तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम समझ गए कि जो इस तालाब में घुसेगा मेरा आहार बन जाएगा, तो जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ. उसने कहा कि अच्छा मैं आपको बताऊँगा. बंदर ने पता किया कि वैसे ही जैसा कहा था उसने वही घटना घटी. रसोइयों में झगड़ा हुआ उनको और वो आग फैलते फैलते घुड़साल में गई, घोड़े जल गए. राजा ने वैद्य से पूछा, वैद्य ने कहा कि बंदरों की चर्बी चाहिए. राजा ने कहा कि राज्य में जितने बंदर हैं सबको मारकर उनकी चर्बी से घोड़ों का इलाज किया जाए. सारा परिवार जल गया. अब ये बंदर जाकर कहता है राजा से, क्योंकि उसको अपने परिवार के मारे जाने का बदला लेना था. उसने कहा कि आपको एक ऐसे सरोवर में मैं स्नान कराऊंगा जिसमें आपको बहुत पुण्य होगा. राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है. पूरे राज परिवार को ले जाकर उसी तालाब में उसने राक्षस का आहार बना दिया. कहने का तात्पर्य क्या है, प्रबंधन करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि आज स्थिति जो चल रही है कल ये स्थिति नहीं रहने वाली है. कल को संकट आएगा तो क्या किया जाएगा. तीसरी चीज मैंने पहले कहा, एक तो संवेदना, दूसरी है दूरदर्शिता, तीसरी है सजगता. हर चीज के प्रति सजग रहना होगा कि हमें कार्य कैसे कार्य में को वृद्धि के स्तर पर लाना है. यदि हमारे अंदर जरा सा भी आलस्य आ जाएगा, हम सजग नहीं रहेंगे, तो हम प्रबंधन कार्य को बढ़िया से निभा नहीं सकते. और चौथी चीज है दृढ़ पुरुषार्थ. दृढ़ पुरुषार्थ हमें करना होगा, कभी भी आलस्य को पास नहीं आने देना होगा. और ये तभी होगा जब हम नेतृत्व करने के लिए हमें स्वयं आगे बढ़कर के पुरुषार्थ करना होगा. और इसके साथ जो और विशिष्ट गुण है, हमें मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उच्च आदर्शों पर हमें ये सारा कार्य करना है. किसी गलत कार्य में यदि हम अपनी शक्ति लगाएंगे तो कर्ण की तरह हमें दंडित होना पड़ेगा. भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की तरह, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण सभी धर्मात्मा थे, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ को गलत दिशा में प्रयोग किया. ये जो पांच चीज़ें मैंने कही, जिसके हृदय में बस जाएगी तो शायद प्रबंधन कार्य बहुत निपुण अच्छी तरह से हो पाएगा. लेकिन ये मानव तन है, कहीं ना कहीं भूल होती है. पद्मावतीपुरी धाम में स्वयं अक्षरा तीर्थ लीला कर रहे हैं और जहाँ भीम भाई हैं, मुकुंद दास जी हैं,
लाल दास जी हैं, महाराजा छत्रसाल जी हैं, 500 ब्रह्मशिष्टियों के जहाँ चरण कमल पड़े हैं उनके प्रबंधन पर तो कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन एक चीज़ की कमी का एहसास हमेशा होता है मेरे मस्तिष्क के अनुसार, मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार। कोई भी मिशन दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य को ध्यान में रख करके पूरा किया जाता है। वाणी को फैलाना हमारा जीवन का उद्देश्य है, तो इसके लिए जो करना चाहिए था वह नहीं हुआ। श्री जी के अंतर्ध्यान के पश्चात अधिकतर सुंदर साथ ने विरह में अपना तन छोड़ दिया। महाराजा छत्रसाल जी ने यथासंभव सारे देश में प्रचारक भेजे, लेकिन यह विचार नहीं किया गया कि कल को क्या होगा। कल को यदि छत्रसाल जी जैसा व्यक्तित्व तैयार नहीं होता है, एक दीपक को हम चलाते हैं उसमें तेल खूब डालते हैं, लेकिन वो तेल कब तक चलेगा? एक रात चलेगा, हो सकता है आधी रात के बाद बुझ जाए, दो रात चलेगा, अखंड तो नहीं चलता रहेगा। इस पर किसी ने विचार नहीं किया। वेद का उपदेश है, सतहस समाहर सहस्रहस संकीर्ण, 100 हाथों से बटोरिए 1000 हाथों से लुटाइए। जब तक महाराजा छत्रसाल जी रहे, उनके वंशज रहे, राजसत्ता रही, पन्ना जी में धामी भाइयों को कोई कष्ट नहीं हुआ। समय की परिस्थितियां बदलती रहीं, राज परिवार से विरोध हुआ, देश का बंटवारा हुआ, पंजाब से जो सेवा आती थी वो बंद हो गई, जो जमींदारी परंपरा थी वो बंद हो गई, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। यदि उसी समय छत्रसाल जी ने को कोई ऐसा सलाहकार मिलता, छत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्मा है, लेकिन यह ध्यान रखिए कि आत्मा दृष्टा होती है, जिस जीव पर बैठेगी उस जीव के स्वभाव के अनुसार ही सारा कार्य होगा। आत्मा का कार्य है केवल प्रेरणा देना, जीव के ऊपर है कि उस प्रेरणा को कितना आत्मसात करता है। जैसे कोई आप पाप करना चाहेंगे तो आपके हृदय से आवाज़ आएगी कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, यदि आपके बुरे संस्कार प्रबल हैं तो उस अपने हृदय की आवाज़ को आप अनसुना कर देंगे। उसी तरह से जीव जैसे जैसे निर्मल होता जाएगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप देखेंगे जो शाकुंडल की आत्मा है, सकुमार की भी आत्मा है, दोनों के व्यक्तित्व में 36 का आंकड़ा है, दोनों परमधाम की आत्माएं। बिहारी जी और इंद्रावती जी की आत्मा में 36 का आंकड़ा है। भीम भाई, मुकुंददास जी, लालदास जी, इनके व्यक्तित्व में भी अंतर है। सबके अंदर परमधाम की आत्माएं हैं, सभी वहदत की हैं, लेकिन सबकी सोच अलग अलग है। परमानंद जी और लालदास जी में कोई मिल ही नहीं होता। आखिर परमधाम में जो वहदत का रस है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? क्योंकि जीव के व्यक्तित्व सबके अलग अलग हैं। इसलिए छत्रसाल जी एक महाराजा हैं, उनको प्रशासन भी देखना है, युद्ध में तलवार भी चलानी है, उनको ऐसा कोई सलाहकार चाहिए था उस समय जो ये बताए कि महाराजा जब कुछ समय के बाद आपका अभी अंतर्धान हो जाएगा, इस तरह से प्रचार कौन करेगा? इसके लिए शिक्षण संस्था की आवश्यकता होती है। उस समय अष्टभर की लीला तो होती रही। श्री जी के अंतर्धान लीला के पश्चात 1751 के पश्चात चितवनी ऐसे ही समाप्त हो गई। ईश्वरीय शिष्ट का राज रहा लगभग 30 वर्षों तक। उसके पश्चात जब जीव शिष्ट का राज आया तो उसने केवल कर्मकांड को बढ़ावा दे दिया। चर्चा चितवनी नाम मात्र को रह गई, कर्मकांड बढ़ गया, केवल शिव पूजा पर ध्यान केंद्रित हो गया। समय के प्रभाव में, जैसे कि मैंने कहा, देश का बंटवारा हुआ, जमींदारी परंपरा चल गई, तो कहावत कही जाती है आर्थिक व्यवस्था से मनुष्य जब जर्जरित हो जाता है तो अपने मानसिक स्थिति को पूरी तरह से उन्नत नहीं बना पाता। संस्कृत में कहावत कही जाती है, बुभुक्षिता किम न कुरुत पापम। जब घर में खाने के लिए नहीं है तो समस्या तो खड़ी होगी। इसलिए यदि शिक्षा की व्यवस्था की गई होती, मेरे कहने का सही है
कि महाराजा छत्रसाल जी के लिए विश्वविद्यालय बनाना कुछ भी कठिन नहीं था, एक नहीं चार चार विश्वविद्यालय बना देते। हम दीपक में बत्ती खूब रख दें और उसमें तेल ना डालें तो परिणाम क्या होगा, सब कुछ दीपक देखने के लिए रह जाएंगे, बिना तेल के दीपक में प्रकाश दीपक से नहीं फैल सकता। शिक्षण संस्था ज्ञानपीठ या विश्वविद्यालय महाराजा छत्रसाल जी ने उस समय तक बनवा दिया होता तो आज 300 वर्षों के अंदर हजारों विद्वान निकले होते और वाणी का परचम पूरे देश में लहराया होता। सब कुछ किया गया, मंदिर बनाए गए, आश्रम बनाए गए, ये ठीक है मंदिर और आश्रम आप बना देंगे लेकिन उसको संचालित कौन करेगा? आप व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेंगे, केवल दीवालों के भरोसे रह जाएंगे कि हमने यहाँ मंदिर बना दिया, आश्रम बना दिया, यहाँ से वाणी फैलेगी। तो फैलाने वालों को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय चाहिए, ज्ञानपीठ चाहिए, महाविद्यालय चाहिए, इस पर जो ध्यान नहीं दिया गया और अनिवार्य रूप से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। मैंने कहा पांच चीज़ों की बात मैंने कही कि प्रबंधन कार्य में संवेदनशीलता, पुरुषार्थ और जो जो चीज़ें मैंने कही उसको ध्यान में रख कर कि कल्पनाशीलता होनी चाहिए, कल को क्या होगा, यदि दूरदर्शिता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, पुरुषार्थ की भावना नहीं है, आदर्शों की उच्चता नहीं है तो आप कभी भी प्रबंधन कार्य नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे गरीबदास जी का वैसा व्यक्तित्व तो नहीं था, वृंदावन जी का वैसा व्यक्तित्व तो नहीं था, वृंदावन जी हरदास जी के बेटे थे, उनको प्रबंधन दिया गया वो बार बार शोर मचा रहे हैं कि अब मेरे से नहीं होता। गरीबदास जी कह रहे हैं कि मेरे से प्रबंधन नहीं होता। लालदास जी को अंत में लालदास जी को जाना होता है औरंगजेब के पास, गढ़े से श्री जी ने कहा कि लालदास जी जाओ औरंगजेब को संदेश देना है। श्री लालदास जी कहते हैं कि धामधनी हम कुरान में देखते हैं, कुरान निकाला देखा गया कि हारून और फिरून का किस्सा है, कहा कि हमें एक भाई चाहिए और कुरान के इस घटनाक्रम के अनुसार महाराजा छत्रसाल जी की यदि जागनी हो जाती है तो जिस तरह से मूसा पैगंबर को हारून मिला, जिसने फिरौन का मुकाबला किया, मूसा की चमत्कारिक लाठी ने फिरौन की सारी सेना को डुबो दिया, उसी तरह से मूसा पैगंबर कौन है? श्री प्राणनाथ जी। हारून कौन है? छत्रसाल जी। फिरौन कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब की तलवार का मुकाबला छत्रसाल जी की तलवार तो करेगी लेकिन छत्रसाल जी को शक्ति चाहिए और ये शक्ति किससे मिलेगी? प्राणनाथ जी से। श्री जी को दिखाया, कहा कि धामधनी कुरान के इस कथन के अनुसार तो हमें औरंगजेब से बात करने की अपेक्षा जो शकुंडल की आत्मा है छत्रसाल जी, उनको जागृत करना चाहिए। अब श्री जी के आदेश से देवकरण जी जाते हैं, सारा प्रसंग आप सुन चुके हैं और तब छत्रसाल जी की उधर जागनी होती है। पन्ना जी में आने पर धामधनी ने लालदास जी को सारा प्रबंधन कार्य सौंप दिया कि छत्र लालदास जी अब आपको ये सारा प्रबंधन कार्य करना है। तो लालदास जी भागे नहीं फिर रहे, एक लालदास जी कहाँ कहाँ जाकर के सारा कार्य करेंगे, रसोई में थोड़े देखे, रसोई खुद नहीं बना सकते, सामान खुद नहीं दे सकते तो क्या करना होता है। वेद का एक मंत्र आता है सहस्त्र बाहु पुरुषा सहस्त्र अक्षय सहस्त्रपाद, परमात्मा की अनंत भुजाएं हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत पैर हैं। प्रबंधन कार्य में आप क्या करेंगे, आपको भी ये नीति अपनानी पड़ेगी। आप जिस चीज का प्रबंधन करना चाहते हैं उसके व्यक्तित्व वाले वैसे तैयार कीजिए, जो जिस क्षेत्र में निपुण है उसको वो व्यवस्था दे दीजिए और आप केवल नियंत्रण कीजिए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। आपकी सूक्ष्म दृष्टि केवल इस बात पर होनी चाहिए कि जिसको हमने काम सौंपा है वो कार्य को उचित तरीके से कर पा रहा है या नहीं, उसमें जो कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए, जो वो मांग करता है उसको दूर किया जाए। और लालदास जी आपको मालूम है कि उद्योगपति रहे थे अपने समय के, जहाँ विदेश से कितने जहाज़ों से उनका व्यापार चला करता था, उनको सब कुछ मालूम था, कितने बड़े व्यवसाय को कैसे संचालित किया जाता है। 5000 की संख्या है, 5000 की संख्या में भोजन की व्यवस्था करनी है, सबके कपड़े की व्यवस्था करनी है, सबके आवास की व्यवस्था करनी है,
और ऐसे ऐसे जितनी व्यवस्थाएं थी उसके उन्होंने 36 विभाग बना दिए और हर विभाग का एक प्रमुख निश्चित कर दिया। एक विभाग के प्रमुख के साथ सहायक के रूप में कई सुंदर साथ हैं। लालदास जी हर विभाग में सूक्ष्म दृष्टि अवलोकन कर लेते हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ी क्या है, किसकी क्या क्या शिकायतें हैं, किसके सामने क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान कर देते हैं और जब देखिए तब श्री जी के पास बैठे रहते हैं। पहले वृंदावन ने ये नहीं किया या गरीबदास जी ने ये नहीं किया, खुद भागते फिर रहे हैं। कोई कितना भी तगड़ा मनुष्य हो, कितना भी नौजवान हो, कितनी भी बुद्धिमान हो, अकेले कार्य सारा नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान परमात्मा के पास तो अनंत शक्ति है, उसकी अनंत शक्ति, अनंत बुद्धि, अनंत नेत्र, अनंत पैर का मतलब क्या है? जैसे वो कहीं एक देशी न हो, वैसे ही आप देखिए देश का प्रशासन कैसे चलता है। यदि राष्ट्रपति ही सोचे कि मैं गाड़ी भी मैं ही चलाऊंगा, सचिव का काम मैं भी करूंगा, कपड़ा मैं ही धोऊंगा, सारा काम वही मैं ही करूंगा, तो थोड़े कर सकता है। शासन उसका चल रहा है, हाँ नियंत्रण उसका है, एक विधान है प्रबंधन का कि यह कार्य करना है, अमुक समय पर करना है, इतने लोगों के द्वारा किया जाना है, आपकी जो समस्या हो बताइए, जो कमियाँ हों उनको जाकर के देखाइए। लालदास जी यही करते हैं, श्री जी के साथ हमेशा बैठे हुए नजर आते हैं लेकिन उनका मस्तिष्क भी दौड़ता रहता है। उन्होंने कल्पनाशीलता कर ली कि इस व्यक्ति में भोजन बनाने का गुण है तो उसको वह दिया जाए, इस व्यक्ति में कपड़े बांटने का गुण है तो इसको वह दिया जाए, यह लिखने वाला विभाग यह है, ये पढ़ने वाला विभाग यह है। हर विभाग को बनाया, हर विभाग का प्रमुख नियुक्त किया और केवल प्रमुखों से मिलते हैं, सभी प्रमुखों में एक सामंजस्य स्थापित करना भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। हर विभाग के प्रमुख यदि आपस में एक दूसरे से मनोमालिन्य रखेंगे, भोजन वाला कहेगा कि मैं बड़ा, वो कपड़े वाला कहेगा कि मैं बड़ा, सफाई करने वाला कहेगा कि मैं बड़ा, तो भी प्रबंधन कार्य नहीं हो सकता। सबको परमधाम के प्रेम के धागे में बांधना होता है कि तुम परमधाम की आत्मा हो, सबको मिलजुल करके रहना है, तब कोई भी प्रबंधन कार्य सुव्यवस्थित तरीके से होता है। और जो मैंने पांच चीज़ें बताई, कोई भी संस्था इन पांच चीज़ों को आत्मसात कर ले, यानी जो मैंने प्रारंभ से कहा, संवेदनशीलता, पुरुषार्थ, दूरदर्शिता, आदर्श व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों को मिलाकर के एक उच्च प्रबंधक का निर्माण होता है और वही प्रबंधक किसी भी संस्था को शिखर पर पहुंचा सकता है। यदि इन गुणों का हमने विकास नहीं किया तो हम यथार्थ रूप से कभी भी प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। कोई भी संस्था धन से नहीं चला करती, धन से चलती है लेकिन धन की व्यवस्था कैसे है ये देखना पड़ेगा। जिस संस्था में पाप की कमाई आएगी वो संस्था नष्ट हो जाएगी। सोने की ईंटों से कोई संस्था बना लीजिए वो नहीं चल पाएगी। संस्था उच्च आदर्शों पर चलती है। एक बार एक राजा के खजांची को आधी रात हो गई थी हिसाब मिलाते मिलाते। राजा रात को भेष बदल करके देखा करते थे कि कौन राजमहल में जग रहा है, कौन क्या सो रहा है। आधी रात को उन्होंने पूछा कि तुम अभी जगे हो? खजांची ने कहा कि महाराज हिसाब में 1 रुपया अधिक आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि किसी से अन्यायपूर्वक 1 रुपया लिया गया है, उसकी बद्दुआ ना लग जाए, क्योंकि उसकी बद्दुआ आह लगेगी तो राज्य नष्ट हो जाएगा, इसी कारण मैं तब से जगा हूँ, 1 रुपया अधिक आया कहाँ से। इस कारण यदि आप किसी धार्मिक संस्था का प्रबंधन करते हैं तो पैसे की चिंता न कीजिए, धर्माचरण की चिंता कीजिए, पवित्र नेक कमाई का हो, संस्था में रहने वाले सभी धर्म के आचरण करने वाले हों, हमारी नियत पवित्र हो, हम राज्य की सेवा भावना को लेकर काम करें, तो पैसा तो पीछे पीछे चलता जाएगा, आपको केवल आगे कदम बढ़ाना होगा। आप देखिए श्री जी दीप बंदर से अकेले चले होते हैं, पन्ना जी तक पहुँचते पहुँचते 5,000 की जमात इकट्ठी हो जाती है। उसके भोजन प्रबंधन की भी व्यवस्था राजा राम झांझन भाई लिए होते हैं 10 सालों तक, लगभग 8-9 साल तक वो भी करते हैं, 10 साल तक उन्होंने सेवा की
और उसके पश्चात महाराजा छत्रसाल जी ने वो व्यवस्था संभाली। विकृति कब आती है? जब शिक्षा हट जाती है। शिक्षा हटेगी, संस्कार हटेगा, संस्कार हटेगा तो वहाँ से पतन शुरू हो जाता है। किसी भी समाज को, देश को, संस्था को आगे बढ़ाना है तो उसमें शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा और संस्कार दे दीजिए, संस्था जब तक पृथ्वी सूरज चंद्रमा रहेंगे तब तक चलती रहेगी। शिक्षा और संस्कार हटा देंगे, भक्ति हटा देंगे, धर्म का आचरण हटा देंगे तो उस संस्था को विनाश से बचाने वाला कोई भी नहीं है। केवल पैसे के बल पर संस्था नहीं चला करती, और प्रबंधन कार्य का इसमें विशिष्ट योगदान होता है कि हर व्यक्ति जुड़ा रहे, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों पर उन्मुख रहे और धाम धनी को साक्षी मानकर अपनी आत्मा का समर्पण उनके प्रेम में किया करे कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो प्रबंधन कार्य बहुत सरलता से होता जाएगा। अब आप सुनिए किस तरह से लालदास जी प्रबंधन किया करते हैं। मूल 36 कारखाने का, 36 जो कारखाने हैं, सब दिया हाथ लाल के, सब लालदास जी को सौंप देते हैं। जिनको जो कछु चाहिए, जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, सो सब पहुंचावे। उनको विभाग बांट दिया है कि किसी को किसी पदार्थ की कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों स्वरूप और साथ के, श्री जी और बाईजीराज जी के और सुंदर साथ के, जिसकी आवश्यकता होती है उसको वह सामान दिया जाता है। सब वस्त्र भूखन, देते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमारा हृदय रहीमदास जी की होनी चाहिए कि देते समय आंखें नीची करके दें। रहीमदास जी ऐसे ही किया करते थे। किसी ने पूछा कि रहीमदास जी आप देते समय सिर नीचा क्यों किए रहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, वे भरम मुझ पेर करें ताथे नीचे न। लोग सोचते हैं कि रहीमदास दे रहा है, मैं क्या दे रहा हूँ, देने वाला कोई और है। इसलिए लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि हम इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग अपने घरों में तो दूसरी मानसिकता रखते हैं, संस्थाओं में दूसरी मानसिकता रखते हैं। घरों में अनावश्यक पंखे नहीं चलाएंगे, लाइटें नहीं चलाएंगे, लेकिन जब धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं तो सोचते हैं हमारा क्या नुकसान है, हमारी हमें थोड़े बिल देना है, कोई नुकसान हो रहा है होने देते हैं, यह बहुत घातक है। इस देश के लोग हजार सालों से केवल अपने घर के बारे में सोचते रहे हैं, न उन्होंने धर्म के बारे में सोचा, न देश के बारे में सोचा, न अपनी संस्कृति के बारे में सोचा, इसलिए पतन हुआ। विदेश में कोई सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकेगा, हमारे देश में कहीं भी जाइए, दिल्ली जैसे शहर में कूड़ा सड़क पर फेंका जाता है, लोग सब्जी का कूड़ा सड़क पर फेंक देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हम अपने ही देश की सड़क को गंदा कर रहे हैं। उनमें राष्ट्रीय भावना नहीं है। यदि इस देश में राष्ट्रीय भावना होती तो देश गुलाम क्यों होता? हम जर्मनी से, उत्तर प्रदेश से भी छोटा है जर्मनी और जापान, कर्नाटक से छोटे हैं, लेकिन कहाँ जर्मनी और कहाँ हिंदुस्तान। हम सवा अरब हैं, लेकिन सवा अरब में हम शिक्षित कितने हैं, हमारे पास देश के लिए कितना भावना, कितनी भावना है, कोई भावना नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि कुछ अच्छे पद पा लें, अच्छी कोठी बंगला बना लें, कारें खरीद लें, अपने परिवार को सुखी रखें। देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए हमारा चिंतन नहीं होता, इसलिए संसार के सामने हम पिछड़े घोषित होते हैं। उसी तरह से संस्था में भी सबको सोचना चाहिए कि नुकसान केवल एक का नहीं हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। जब तक हमारे अंदर सबको समावेश करने की भावना नहीं आएगी, हमारे में प्रांतवाद नहीं पनपे, जातिवाद ना पनपे, क्षेत्रवाद ना पनपे, ये तीनों कोड़ है। जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद किसी भी संस्था के लिए घातक है। हम सबकी आत्मदृष्टि को देखें, सबके अंदर आत्मिक भावना करेंगे कि यदि संस्था का नुकसान होता है तो हमारा नुकसान होता है। जब तक परायेपन की भावना रहेगी, कल्पना कीजिए एक संस्था में सबके विचार हो जाए कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है आश्रम का, हो रहा है ज्ञानपीठ का, हो रहा है, तो परिणाम क्या होगा? जब ज्ञानपीठ ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे, ये कोई नहीं सोचता। जब आपका देश नहीं रहेगा तो आपका घर कहाँ रहेगा, हर कोई सोचता है चलो हमारा घर भरे,
देश कंगाल हो तो क्या? जापानी से एक बार पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है? उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध से। लेकिन भगवान बुद्ध यदि आपके देश के खिलाफ बोले तो कहा कि उनकी हम गर्दन काट देंगे। ये जापानियों का है, अपने देश के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकते। और हमारे देश में पंक्ति के पंक्ति देशद्रोही खड़े हैं। मीर जाफर इसमें पैदा हुआ, जयचंद इसमें पैदा हुआ, मानसिंह जयसिंह इसमें पैदा हुए और अंबिक यहाँ पैदा हुआ। अपने ही देश को बेचा जाता है, अपने धर्म और संस्कृति को बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सर्वांगीण विकास की भावना नहीं होती। इसलिए किसी भी धार्मिक संस्था में का उत्थान तब होगा जब संस्था के नुकसान को हर कोई अपना नुकसान माने। किसी भी समाज और देश का विकास तब होगा जब देश के नुकसान को अपना कोई नुकसान बेचे। आप देखते हैं सड़कों पर ट्यूबलाइटें जलती रहती हैं दोपहर के, दिन के दोपहर तक। कर्मचारी को लगता है कि हमें वेतन मिल रहा है, हमें क्या लेने देना। हर विभाग में यही हर कोई सोचता है कि हमें क्या लेना देना। देश गुलाम होता रहा और सब लोग सोचते थे कि हमें क्या लेना देना। ये इस बीमारी ने हिंदुस्तान को हजार वर्षों तक सुलाए रखा है। आप देखिए 5000 की संख्या है, सबको नियंत्रण में करना है। 5000 तो पूरा एक गांव हो जाता है। श्री जी के साथ घर द्वार छोड़कर 5000 सुंदर साथ आए होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, माताएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे। सबको नियंत्रण करना है, सबको सामग्री पहुंचानी है। और सोचिए उस युग में आजकल की तरह संसाधन नहीं थे। आज तो फोन कर देते हैं, सामान आ जाते हैं। आज से 300 वर्ष पहले कोई सामान मंगाना होता होगा, कैसे लाया जाता होगा, कैसे प्रबंधन किया जाता होगा। ये लालदास जी का उच्च व्यक्तित्व है जिसने सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया। पहुंचावे सनेसो, और प्रेम से देते हैं, किसी को भीख समझ कर नहीं देते, क्योंकि देने वाले कौन है? राज्य। नित नित रंग नौतन, नए नए तरीके की आवश्यकता जो होती है सबको समय पर पहुंचाते हैं। घनश्याम लिखा लिखे, घनश्याम जी की सेवा क्या है? लिखने की। धर्मदास खजाने, और धर्मदास जी खजाने की देखभाल करते हैं। भिखारी दास भी रहे, और भिखारी दास जी भी उसी सेवा में रहते हैं। खजाना मकरंद रखे, मकरंद जी की सेवा है खजाने की देखभाल करने की। इन पीछे गीगे गोदई, और इसके पश्चात गीगे को ये सेवा दी जाती है। सेवा करे सब कोए, और सब सुंदर साथ जिसको लालदास जी ने निर्देशित कर दिया है उसको ये सेवा दी जाती है। और यह चीज ध्यान में रखनी, किसी देश परिवार समाज में तभी एकता रहती है जब वहाँ के न्याय का सिंहासन दागदार न हो। किसी भी देश का प्रमुख, संस्था का प्रमुख, परिवार का प्रमुख जब तक निष्पक्ष न्याय करता रहेगा तब तक वो संस्था चलती रहेगी। जिस दिन उसके न्याय में दाग लग जाएगा उस दिन संस्था में बिखराव हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने आदर्शों से भटकना नहीं चाहिए और किसी तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि आप इस नीति पर चलेंगे तो जब तक सूर्य चमकता रहेगा आपकी संस्था चलती रहेगी। लेकिन जहाँ ये विकृति आई, धार्मिक ज्ञान का अभाव, आदर्शों से च्युत होना, न्याय में पक्षपात, आपकी संस्था टूट जाएगी। पहले नारायण देवी कपड़ा, पहले नारायण भाई की सेवा है कपड़ा देने की। रहे सेवा में हुकम, और इस सेवा में वो तल्लीन रहते हैं। देवी सब सनेहसो, और सब सुंदर साथ को स्नेह पूर्वक कपड़ा बांटते हैं। फिर करी खिमकरण आत्म, और फिर बाद में ये सेवा खिमकरण जी लेते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामत जी कहते हैं कि हे साथी, ए साथी सेवा के, ये सुंदर साथ सेवा के कहे गए हैं। कहो केता अज बहुत हैं, मैं कितना वर्णन करूं, अभी तो ये बहुत अधिक बातें हैं। जिन प्यारे चरण धनी के, लेकिन ये सेवा कौन करेगा? जिनको राज्य के चरण कमल प्यारे हैं वही सेवा करेंगे। सेवा करे न जाना ही अपनी आत्म के कारण, सेवा करके ढोल पीटना अपनी सेवा की गरिमा को कलंकित करना होता है। आप सेवा कर रहे हैं,
आपकी सेवा को राज्य देख रहे हैं, उस सेवा का के बदले आप प्रचार मत चाहिए, शोभा मत चाहिए, राज्य आपको समय आने पर सब कुछ देंगे, आप सेवा कीजिए छिप करके, जिसको जिससे किसी को पता भी न चले कि आपने इतनी बड़ी सेवा की है। जितनी सेवा छिप कर करेंगे, सेवा और भक्ति हमेशा छिप करके कीजिए। यदि अपनी सेवा और भक्ति के बदले आप संसार में यश कमाना चाहते हैं तो उसका बहुत बड़ा पुण्य आप खो देते हैं। गर्मी के दिनों में, गर्मी का जब समय आता है, सब सेवा खुशबोए, तो सुगंधित, उस समय आजकल की तरह एसी का युग नहीं था, कूलर का युग नहीं था, तो सुंदर साथ सुगंध फैलाना चाहते हैं, क्योंकि खस की टटियाँ बनाई जाती हैं और बड़े बड़े इत्र के पीपे मंगाए जाते हैं, गुलाब जल मंगाया जाता है, सुंदर साथ खस की टटियाँ बनाकर इत्र उस पर छिड़क देते हैं और फिर पानी छिड़क देते हैं, पानी और इत्र और बड़े बड़े पंखे होते हैं हाथ से, उसको जब किया जाता है तो पूरा वातावरण सुगंधित रहता है। ये सुंदर साथ की सेवा है उस समय। जल्दी टटिया बांधने को, खस की टटिया बांधने के लिए एक ओखा गंगा राम, ये गंगा राम की सेवा है, सेवा कृष्णदास दयाल, और साथ में कृष्णदास जी और दयाल जी भी रहते हैं, रहे मोहम्मद खाना इन काम, और मोहम्मद खान की विशेष सेवा है, जल छिड़कत सब बंगले, बंगला जी दरबार में सब सुंदर साथ जल छिड़कते हैं, गर्मी का समय होता है तो, उठाए सब बिछौने, और प्रातः काल सब सुंदर साथ के बिछौने उठा दिए जाते हैं, इनायत खान भगवान, इनायत खान और भगवान की क्या सेवा है, गंगा राम सेवे इनमें, और गंगा राम जी की ये सेवा है बिछौने उठाने की, शंकर हाथ में रहता है, शंकर हचुरी जी का नाम आपने पहले भी सुना होगा, हमेशा उनके हाथ में विजन, विजन यानी पंखा, विजन शब्द शुद्ध संस्कृत का है, गुजरात में भी पंखे को विजन कहते हैं, इधर की भाषा में पंखा कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण संस्कृत का शब्द है, हमेशा ही विजने, हमेशा उनके हाथ में पंखा रहता है, जब महाराजा आवत, और जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, वाओ डोले इन समय, तो शंकर हरजूरी जी से पंखे लेकर वो हवा डोलते हैं। अब देखिए महाराजा छत्रसाल जी का हृदय तड़पता है, वो सोचते हैं कि मैं महाराजा नहीं बना होता तो मैं भी 24 घंटे सुंदर साथ के साथ रहकर सेवा करता, लेकिन पहले पहर से लेकर छठे पहर तक की हर सेवा में महाराजा छत्रसाल जी का नाम है। इसलिए कहा गया है, एक महाराजा जो राज्य के सिंहासन पर भी बैठा हो और अपने सतगुरु को अक्षरातीत का रूप मानकर और स्वयं को उनकी परमधाम की आत्मा मानकर तन मन धन निछावर करने वाला आज तक इस सृष्टि में न कोई हुआ है और न कोई हो सकेगा। गंगादास गंगाराम, और गंगादास जी और गंगाराम की क्या सेवा है, संतदास सेवन में, संतदास जी क्या सेवा करते हैं, खड़े रहे खास, ये श्री जी की सेवा में हर पल खड़े रहते हैं। जमुना मानक इन समय, जमुना भाई और मानक भाई क्या करते हैं, रहे हजूर सेवा में, रहे हजूर सेवा में, जो हमेशा हजूर उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं, हजूरी। सेवक को कैसा होना चाहिए, जिसने सेवक बना तब जानिए हार रहे ना मांस, जब तक अपना अहंग नहीं टूटता तब तक कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, अहंकार और सेवा, अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते। अहंकार ज्ञान की राह में सबसे बड़ी बाधा है, प्रेम की राह में सबसे बड़ी बाधा है और सेवा की राह में। जिसने अहंकार को जीत लिया उसके लिए ज्ञान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में अग्रणी होना कुछ भी कठिन नहीं है, और तो और राज्य को पाना भी उसके लिए कठिन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु अहंकार ही है, चाहे पद का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, कुल खानदान का अहंकार हो, ये सारी चीज़ें मनुष्य के मन पटल पर जब अंकित हो जाती हैं तो उससे ज्ञान, भक्ति, प्रेम, सेवा, शिष्टाचार सब कुछ छिन जाता है। मिहि वस्त्र पहनन के, और उस समय गर्मी के मौसम में महीन वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। प्रेम दास लियावे, ये सेवा है प्रेम दास जी की। आखर को इन पे, और बाद में उनसे यह सेवा नंदराम पास जावे, नंदराम के पास गई,
यदि किसी सुंदर साथ से शारीरिक रोग के कारण या आलस के कारण वह सेवा अच्छी तरह से नहीं हो पाती है तो लालदास जी उस सेवा को किसी और को दे देते हैं। आसुबाई इन समय और लालदास जी इस समय लागत है चरण श्री जी के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। सवेरे सवेरे लालदास जी पहला काम करते हैं हर विभाग के प्रमुख से मिलते हैं और पूछते हैं आपको कोई परेशानी तो नहीं आपको क्या चाहिए और सबकी समस्याओं का समाधान करके श्री जी के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। श्रीराज हित कर बुलावत धाम धनी बहुत प्रेम करके लालदास जी को बुलाते हैं। प्रसन्न होए के मान बहुत प्रसन्न होकर कि लालदास जी ने अकेले ने 5000 सुंदर साथ की व्यवस्था संभाल रखी है 36 विभाग बनाकर और अपने कुशल प्रबंधन के द्वारा। लालदास जी परम धाम की ब्रह्मात्मा है उनका मस्तिष्क जैसे लगता है ज्ञान का भंडार है। लालदास जी के तन से बीतक लिखी गई महामती की बड़ी वृत्त लिखी गई और 72 माज्य लिखे गए छोटी वृत्त लिखी गई और सिंधी ग्रंथ की टीका कही गई। आप सोचिए श्री जी के तन रहते रहते और उसके कुछ समय के बाद तक इन्होंने इतने ग्रंथों पर कैसे काम किया होगा कितनी निष्ठा है संवेदनशीलता उनमें है दूरदर्शिता उनमें है सबको अपने हृदय के साथ जोड़ने की कला उनमें है। यही कारण है कि लालदास जी के कुशल प्रबंधन में सुंदर साथ का कार्य व्यवहार अच्छी तरह से चलता रहा। जो मूल स्वरूप की इच्छा हो मैं नहीं कह सकता लेकिन मूल स्वरूप ने यदि छत्रसाल जी या लालदास जी के अंदर ये प्रेरणा की होती उस युग में कि कोई विश्वविद्यालय बनाया जाता जिसमें हर साल हजारों विद्वान निकलते हैं 5000 तो अपने सुंदर साथ थे जो घर द्वार छोड़ करके आए। उस समय चुप क्या हो गई वैसे मुझे ये कहने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए कि ब्राह्मणियों के कार्य प्रणाली पर मैं कोई हस्तक्षेप करूं, लेकिन यदि ऐसा कर दिया गया होता तो शायद निजानंद की पताका सारे विश्व में फहरा रही होती ये वाणी जन जन तक पहुँच गई होती क्योंकि ज्ञान के संवाहक कौन होंगे विद्वान ही तो होंगे। विद्वान ही तैयार नहीं होंगे तो हमारे ये 400 मंदिर क्या करेंगे 400 मंदिर तो बन गए इनको चलाने के लिए 40 विद्वान हमारे पास नहीं है। हमारे पास उच्च स्तर के 10 भी विद्वान नहीं हैं जिनको विश्व के किसी मंच पर खड़ा किया जा सके कि आप संस्कृत में बोलिए अंग्रेजी में बोलिए हिंदी भी हमारी शुद्ध नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी ये शिक्षा की दृष्टि बहुत बड़ी कमजोरी है और हमारे समाज के नित्य निर्देशक जो तत्व हैं उन्होंने ये आकलन नहीं किया। उन्होंने गादियाँ तो बनाई बड़े बड़े स्थानों की महत्ता को तो दर्शाया यह नहीं सोचा जब ज्ञान की पताका ही झुकी रहेगी तो बड़े बड़े स्थान भी क्या करेंगे। किसी भी विचारधारा को फैलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्म फैला तक्षशिला नालंदा और विक्रमशिला के ज्ञान से फैला जिसमें हजारों नौजुवक हजारों राजकुमारों ने अपना घर द्वार राजपाट छोड़ करके बौद्ध भिक्षुक बनना स्वीकार किया और जावा सुमात्रा इंडोनेशिया मलेशिया चीन जापान अफगानिस्तान मध्य एशिया तक धावा मारा दुनिया के आधे हिस्से में बौद्ध धर्म को फैलाया। क्रिश्चियन मिशनरी को फैलाना हुआ तो आज जो ऑक्सफोर्ड आप जानते हैं कैम्ब्रिज जानते हैं ये पहले क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा स्थापित किए हुए सरकार के द्वारा स्थापित नहीं उन्हीं मिशनरियों की एक शिक्षण संस्थाएं थी जो आज बढ़ करके ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का रूप ले ली। आप सोचिए मिशनरियों ने अपने तैयार किए प्रचारक सात समुद्र पार से जाकर उन्हें दुनिया में बाइबिल फैलाई और बाइबिल के साथ अपनी राजसत्ता भी स्थापित किया। भारत के हजार पंथों ने अपने बड़े बड़े मठ बनाए घंटी घड़ियाल तो खूब बचे लेकिन उन मठों से प्रचारक तैयार नहीं हुए। परिणाम एक महंत अपने साथ कुछ शिष्यों को लेकर रहते रहे बस एक अपना एक उत्तराधिकारी तैयार करते रहे यह नहीं सोचा कि हम विद्वानों की एक सेना तैयार करें जो सारे संसार में ज्ञान का प्रचार करें। परिणाम यह होता रहा 5000 वर्षों से यह देश जो कभी सारे विश्व को ज्ञान देता रहा अनपढ़ों का देश बन गया। अंग्रेजों के ज़माने में जब किसी के यहाँ पत्र आता था तो पटवारी को बुलाया जाता था पत्र पढ़ने वाला नहीं था कोई।
जब शंकराचार्य मंडन मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ करने जा रहे थे, किसी ने से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन है, उनको पता बताया गया कि जिनके घर में तोते भी संस्कृत में बात करते हों, समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर है। यह देश है जिसमें राजा भोज के राज में बकरियों को चराने वाले कालिदास ने रघुवंशम का काव्य रचा था। विश्व में रघुवंश कालिदास के बराबर उपमा अलंकार का कोई कवि नहीं हुआ। शेक्सपियर तो बच्चे के समान कालिदास के सामने लगते हैं। उस देश में पूरे गांव में चिट्ठी पढ़ने वाला एक पटवारी के सिवा कोई नहीं रहता था। ये क्यों? क्योंकि 24 घंटे मंदिरों में घंटी घड़ियाल बजाते रहना, शिक्षा की व्यवस्था न करना, चाहे साई हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, सभी पंथों में प्रचलन हो गया। जब तक समाज में शिक्षा नहीं रहेगी, ध्यान की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तब तक उच्च समाज का निर्माण नहीं होगा, आध्यात्मिकता की गंगा कभी नहीं बहेगी। आप सुंदर से सुंदर भवन बना लीजिए, मंदिरों में, आश्रमों में, कितने भी आश्रम आप बना लीजिए, लाखों आश्रम, करोड़ों आश्रम खड़े कर लीजिए, अध्यात्म की गंगा कभी नहीं बहेगी जब तक वहाँ से ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। कल्पना कीजिए, तक्षशिला नहीं है तो चाणक्य भी नहीं है, चाणक्य नहीं है तो चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त नहीं है तो भारत पराधीन हो जाता। चाणक्य और चंद्रगुप्त को पैदा तक्षशिला ने किया। राम और कृष्ण को किसने पैदा किया? वशिष्ठ ने और उनके गुरु ने पैदा किया। यदि गुरुकुल परंपरा ही का ह्रास हो जाएगा, केवल भोग लगाना, खाना पीना, नाचना कूदना, यही मंदिरों की नियत बन जाएगी, तो धर्म की गाड़ी कहाँ से चलेगी? हमारे समाज के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने भी मंदिर खूब जोर जोर से लगाए, लेकिन अभी भी हम साहित्य की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। ज्ञान फैलाने की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। आप देखेंगे अहमदिया मत कितने साल से चला है, 125 वर्षों से, और इन्होंने 72 भाषाओं में कुरान की टीका कर रखी है। हम रो गा करके अब जो है थोड़े सी हिंदी की टीकाएं निकाल पा रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जो अपने साहित्य पर रोता है। कुरान की 10 टीकाएं निकल जाए सारे मुसलमान खुश होंगे कि 10 टीकाएं निकल गई, बहुत अच्छा है। हमारे समाज में आंसू बहे जाते हैं कि टीका क्यों हो रही है, टीका करना पाप है। चितवनी क्यों हो रही है, चितवनी करना पाप है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। ये तो ऐसा है जैसे कहा जाए कि अरे भाई तुम जिंदा क्यों हो, ये जहर खा लो मर जाओ, शांति मिल जाएगी। किसी समाज को नष्ट करना है तो उस समाज से शिक्षा हटा दीजिए, ध्यान हटा दीजिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। और सामान्य सुंदर साथ कहता तो कोई कष्ट नहीं होता। चितवनी का विरोध वो सुंदर साथ कर रहे हैं जिनको, जिनके कंधों पर समाज का बोझ डाला गया है। साहित्य का विरोध वो करते हैं, शिक्षा का विरोध वो करते हैं, वाणी के प्रचार का विरोध वो करते हैं। सामान्य सुंदर साथ तो भोला भाला है, वो नहीं सोच पा रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है। अष्टपहर की यह बीतक बहुत कुछ कहती है। इस अष्टपहर की बीतक में जो अब तक हमने पद्मावतीपुरी धाम में तक की बीतक सुनी, अष्टपहर की लीला में उसका क्रियात्मक रूप दिखाया जाता है कि हमने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को किस रूप में माना। सबने प्राणनाथ जी की सेवा की अक्षरातीत मानकर, आज हम प्राणनाथ जी को छोटा से छोटा बनाने पर तुले रहते हैं। कोई कवि कहकर खुश होता है, कोई संत कहता है, कोई महापुरुष कहता है, कोई आचार्य कहता है। अब तो एक परंपरा सी चल गई है कि जितना छोटा कहो उतना ही बड़े हो जाओगे। ये कितनी बड़ी भूल है। महामती जी ध्यान अवस्था में घूमर जी में विराजमान हैं, तो आज एक परंपरा सी होती जा रही है यह कहने की कि वो तो कब्र है, समाधि कहा जा रहा है। समाधि देना अलग है और समाधि में बैठना अलग है। जब किसी व्यक्ति का देह त्याग होता है तो उसको जमीन में दफनाया जाता है, उसको कब्र कहिए या हिंदू परंपरा में समाधि देना कहिए, चल सकता है। लेकिन जो व्यक्तित्व पांचों शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसके ऊपर सारी जागने का मुद्दा है, जिसको मूल स्वरूप ने अपनी सारी शोभा दी है, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेज तुम्हारे लिए। इसलिए जब तक यह खेल चल रहा है, जब तक यह घूमर जी हैं,
तब तक मानना चाहिए कि प्राणनाथ जी भी हमारे साथ हैं। महामती जी का तन झूले पर विराजमान है, जिसमें महामती जी की आत्मा मूल स्वरूप के ध्यान में है। उनके ध्यान धाम हृदय में पांचों सहित संतियों सहित युगल स्वरूप विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। और कोई कितना भी बड़ा हो जाए, प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर न किसी की महिमा हो सकती है, न है और न कभी होगी। यदि आप प्राणनाथ जी की महिमा को बढ़ाकर नहीं कहते हैं तो उसको छोटा कहने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। कभी महामती जी के ध्यान अवस्थित स्वरूप पर उंगली नहीं उठाना चाहिए कि प्राणनाथ जी तो चले गए, उनके अंदर की शक्तियाँ भी चली गईं। ऐसी बातें कहकर हम स्वयं को कलंकित कर रहे हैं। अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की महिमा आप गाते हैं तो आप भी धन धन होंगे और आपके अनुयायी भी धन धन होंगे। छोटे बनाने का प्रयास तो वैसे ही है जैसे कोई सागर को एक तालाब कहने का दुस्साहस करता है। ऐसा है, सारा देश अपने अंतर मन से विचार करेगा कि आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए। लालदास जी का व्यक्तित्व तो कैसा है, छत्रसाल का जी का व्यक्तित्व तो कैसा है, भीम भाई का व्यक्तित्व तो कैसा है, या जिन जिन सुंदर साथ ने, चाहे लाल भाई हो या अन्य सुंदर साथ, अपना तन मन धन धाम धनी की सेवा में लगाया, सेवा करते करते, चितवनी करते करते, पाणी का प्रचार करते करते अपना तन छोड़ा, हम उनके पदचिन्हों पर चलें। यह ध्यान रखना चाहिए, शरीर तो सबका नश्वर होता है। वीर की शोभा है कि वह युद्ध के क्षेत्र में अपना तन छोड़े या परमात्मा का ध्यान करते हुए तन छोड़े। अस्पतालों में शरीर छोड़ने से अच्छा है कि परमात्मा का ध्यान करते करते, ब्रह्मवाणी की गूंज करते करते शरीर छोड़े। वीर भोग्या वसुंधरा, हमेशा अपने अंदर वीर भाव बनाए रखना चाहिए कि हम डरे क्यों मौत से। मौत क्या करेगी हमारे शरीर को, तो हमसे अलग करेगी। हम तो अनादि हैं, अखंड हैं, परब्रह्म के अंग हैं, मौत हमारा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मृत्यु से डरे बिना अपना एक एक मिनट का समय चितवनी में लगाइए, वाणी के चिंतन में लगाइए, सबके कल्याण में लगाइए, ब्रह्मवाणी के फैलाव में लगाइए, ताकि सबका हृदय अर्श बन सके, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस सके और सब यहीं बैठे बैठे अपने प्राणेश्वर को देखें, अपने परम धाम को देखें। यदि हम जीवन में ऐसा कर सके तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा, इत भी और उत भी। पूरा यहाँ ते ही खड़े रहे। श्री महामति कहे सयन को, महामत जी कहते हैं कि हे साथ जी, ए सेवा के कहे साथ, आपको जिन जिन सुंदर साथ ने सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है उनका वर्णन किया, यहाँ ते ही खड़े रहे। सेवा कौन करेगा, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। जिसका हाथ पकड़कर राज्य कहते हैं कि सेवा तुझे करनी है तो वह करता है, नहीं तो ये माया है। कुल्लू के बैल की तरह हर कोई अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करता है। कोई ये कहे कि मुझे काम नहीं करना है तो नहीं चलेगा। अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने संगे संबंधी को पालन करने के लिए मनुष्य को गधे की तरह काम करना पड़ता है। न धूप देखता है, न शीत देखता है, न वर्षा देखता है, क्या करेगा। परिवार है, उसके भरण पोषण के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसी विलक्षण लीला है इस संसार की कि उसका दसवां अंश भी मनुष्य परमात्मा के लिए परिश्रम नहीं करता। एक मजदूर जो धूप में काम करता है, उसको कहे कि तुमको 400 रुपये मिलते हैं, तुमको हम 1000 रुपये देंगे और तुमको 8 घंटा नहीं, 4 घंटा केवल ऐसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, तुम्हें ध्यान करना है, कहेगा कि ये मेरे से नहीं होगा। जिस परब्रह्म के ध्यान के सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है, जिसके चरण कमलों की छाया अनंत काल से भटकते हुए जीव को शाश्वत मुक्ति का आनंद देती है, उस परमात्मा की शरण में जाना भी ये जीव को मंजूर नहीं होता है। आपको ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिला है तो इस प्रकाश को फैलाइए, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों के हृदय में भी इस ज्ञान की ज्योति को जलाइए। इससे बड़ा पूर्ण कार्य और कुछ भी नहीं होगा। सब सुंदर साथ आए हैं, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि अब आप दृढ़ संकल्प कीजिए कि ऐसा कोई भी दिन ना जाए जिस दिन हमने चितवनी नहीं की हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाए जिस दिन आपने वाणी का चिंतन नहीं किया हो,
आप रविवार को या किसी भी दिन महीने में हफ्ते में समय निकालिए अपने अड़ोस पड़ोस में या जहाँ भी संभव हो सके वाणी का प्रकाश फैलाइए कि वाणी का ज्ञान राजी ने आपको दिया है उस ज्ञान की ज्योति को दूसरों को बांटिए दूसरों के हृदय में परमधाम की शोभा को बसाइए आप अपने हृदय में तो बसा ही रहे हैं लेकिन जो सुख आपको मिल रहा है वह सुख दूसरों को बांटिए इसी में आपकी महानता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो राज्य का वरद हस्त आपके ऊपर भी रहेगा अब चौपाई दोहराइए मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ प्रतिदिन चितवनी करने का प्रतिदिन वाणी चिंतन करने का और समय अनुसार ज्ञान के प्रसार में तल्लीन रहेंगे अपनी फिजूल खर्चियों को हटाइए आप शादी विवाह में पानी की तरह पैसे उड़ाते हैं कोई त्यौहार होता है उसमें पानी की तरह पैसे उड़ाते हैं उसमें बचत कीजिए अपने जीवन को सादगी के तरीके से हर सुंदर साथ यदि थोड़ा भी बचत करके उसका साहित्य दूसरों में बांटेगा ज्ञान का प्रकाश होगा तो बहुत कल्याण होगा जो धन आपके पास है यदि उसका सही सदुपयोग नहीं करेंगे मानवता के कल्याण के लिए खर्च नहीं करेंगे तो वो तो नष्ट हो जाएगा लोगों के घरों में कितने करोड़ों रुपये पड़े हैं लेकिन उसकी क्या उपयोगिता है मैंने कई जगह देखा है पन्ना जी में भी देखा है कितने गरीब सुंदर साथ आते हैं उनके पास 10 रुपये भी नहीं होते कि हम साहित्य खरीद सकें ऐसे गरीब सुंदर साथ को यदि आप अपनी बचत के पैसों से कोई साहित्य देते हैं तो उसका हृदय आपको कितनी शुभकामनाएं देगा आप इसका अंदाजा नहीं ले सकते अंधकार में भटकते हुए हर प्राणी से आप प्रेम कीजिए यही मानव यही वास्तविक आत्मिक प्रेम है संसार के रिश्तों को मत देखिए किन से हमारा भाई का रिश्ता है बहन का रिश्ता है या ये रिश्ते हैं सारी मानवता आपकी है यदि आप अध्यात्म की राह पर चलते हैं किसी भी देश में पैदा हुआ हो किसी भी कुल गोत्र में पैदा हुआ है वह यदि भूखा है यदि वह नंगा है यदि वह ज्ञान के प्रकाश से दूर है तो उसको गले लगाकर आपको उसकी मानसिकता में आध्यात्मिकता का प्रवेश करना पड़ेगा उसको ज्ञान दीजिए प्रेम दीजिए भोजन दीजिए आप जो अपने भंडारों में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खाते हैं उसमें सादगी लाइए और उनसे भी पूछिए बेचारे जो भूख के कारण तड़प रहे होते हैं यदि आपने उनको न खिलाकर राज्य को रिझाने के नाम पर 56 भोग लगाते रहे अपने मंदिरों में मंदिरों की चार दीवारी से बाहर नहीं निकले तो राज्य कभी भी आपसे रिझ नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको वाणी दी है सारे संसार में फैलाने के लिए केवल घंटी घड़ियाल बजाकर अपने मंदिर में चुपचाप बैठे रहने के लिए नहीं और 56 भोग लगाने के लिए नहीं क्योंकि राज्य की ये के आदेश से ये सृष्टि बनी है और इस सृष्टि में हम जितना ज्ञान फैला सकें राज्य की महिमा को जाहिर करने के लिए राज्य को सबके हृदय में बसा सकें तो याद रखिए इससे बड़ी कोई सेवा पूजा नहीं हो सकती इससे बड़ा कोई कर्मकांड नहीं हो सकता इससे बड़ी कोई आराधना भी नहीं हो सकती आप अपने हृदय में धनी को बसाइए और सारे ब्रह्मांड के लिए दरवाजा खोलिए हर कोई पत्थरों की पूजा को छोड़कर अपने हृदय में सकल गुण निधान सर्वशक्तिमान प्राण वल्लभ अक्षरातीत को बसाएं मैं आशा रखता हूँ कि आप सुंदर साथ मेरी प्रत्यक्ष रूप में यहाँ बात सुन ही रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से जिन सुंदर साथ तक देश विदेश में ये बातें पहुंच रही हैं मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे प्रणाम जी श्री महामति कहे सयन को ए सेवा के कहे साथ यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिय पकड़े हाथ जाके धनिय पकड़े हाथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की